Hello to all my dear students, welcome back on SS Coaching YouTube channel। तो स्टूडेंट्स, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया पिछली बार, उसके बाद हमने डिवीजन पे कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे बिकॉज डिवीजन का यूज होगा। आज हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम क्या होता है और उससे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा अच्छे से। जैसे स्टूडेंट हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर है हमारे पास 18, ठीक है स्टूडेंट, और एक नंबर हमारे पास है 9। तो स्टूडेंट्स अब कोई पूछे कि 18 और 9 में रिलेशन एक बनाइए जो आपका टॉपिक है फैक्टर ऑफ मल्टीपल पे, तो हम ये बोलेंगे कि 9 इज फैक्टर ऑफ 18 बिकॉज 9 18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। कम्प्लीट डिवाइड का मतलब स्टूडेंट है रिमाइंडर जीरो आ जाए। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग मेनली ये ध्यान रखेंगे, अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है, मतलब कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है ना, तो वो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यानी कि यहाँ पे 9 क्या है, 18 का फैक्टर है। और जस्ट इनवर्स बोलेंगे तो 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है स्टूडेंट्स। 18 क्या है, मल्टीपल ऑफ 9। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर ऑफ मल्टीपल समझ गए हैं आप लोग। यहाँ पे हमको मेनली ये बात ध्यान रखनी है कि फैक्टर थ्योरम में दो केस बनेंगे। अगर हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, रिमाइंडर जीरो हो रहा है ना, जैसे हम लोग सी पुट किए और सी पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई, तो x माइनस सी उसका फैक्टर होगा। और अगर x माइनस सी उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर एफ सी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम क्या है। अब यहां पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय जी एक्स जो कि x माइनस ए है, ठीक है। अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और वो जी एक्स यानी कि x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, तो पहला केस बन रहा है व्हेन रिमाइंडर पी ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, a वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन रिमाइंडर पी ए जीरो देन x माइनस ए, तो जी एक्स क्या होगा, x माइनस ए क्या होगा, इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर रिमाइंडर जीरो आता है, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकालना अच्छे से जान लिया है, ठीक है। अगर नहीं कुछ लोग जान पाए हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो स्टूडेंट प्लीज आप लोग रिमाइंडर थ्योरम वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो क्या होगा, जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा, ठीक है, यानी कि एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। और अगर x माइनस ए यानी कि जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों रिलेशन क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, अगर पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से और रिमाइंडर आता है जीरो, तो वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा। और अगर पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है तो क्या केस बनेगा, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए और जीरो आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स कि चेक वेदर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट्स चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइजर यानी कि जी एक्स दिया हुआ है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तभी तो रिमाइंडर आएगा। तो इस जी एक्स को जीरो करेंगे यानी कि एक्स माइनस वन जीरो, तो एक्स कितना आएगा, वन, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी वन, है ना। अब चेक करते हैं कि रिमाइंडर पी वन जीरो होता है या नहीं होता है। तो इस पॉलिनोमियल पी एक्स में हम लोग जहाँ जहाँ एक्स है क्या रखेंगे, वन पुट करेंगे, ठीक है। तो वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन। तो इसमें देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर अगर जीरो है तो क्या मतलब हुआ कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। तो स्टूडेंट्स क्या बताया गया आपको कि पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट, तो मैंने पीछे भी बताया था ना, ये बिल्कुल आपको वही चीज़ करनी है, यानी कि पी एक्स इज मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट, इसका मतलब वही है कि जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट, ठीक है, बिकॉज मल्टीपल क्या है, जिसमें फैक्टर इंक्लूड होता है, ठीक। तो पी एक्स हमारा दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, सबसे पहले एक्स फाइंड करेंगे ताकि रिमाइंडर फाइंड कर सकें, तभी तो चेक करेंगे ना। तो हमने जी एक्स को जीरो किया तो एक्स माइनस टू जीरो, यानी एक्स कितना आ गया, टू आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, पी टू होगा। तो जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में देखिए इसमें एक्स है, क्या रखना है, टू रखना है, तो हमने रखा है ना स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स दिया हुआ था इतना, तो रिमाइंडर पी टू क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स से क्या रखेंगे, टू रखेंगे, टू क्यूब माइनस फाइव इंटू टू स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू माइनस थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एट आएगा, ट्वेंटी आएगा, एट माइनस थ्री, यानी कि सॉल्व करने पे कितना आया, माइनस सेवन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया ना, आया रिमाइंडर जीरो नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स इज नॉट द मल्टीपल ऑफ जी एक्स, है ना, रिमाइंडर जीरो आया तब ना होता, यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना इसका मतलब। तो यहाँ पे पी एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ जी एक्स, या बोल सकते हैं कि जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर पी एक्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो स्टूडेंट यहाँ भी सेम चीज़ भी, देखिए स्टूडेंट अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाएंगे, है ना, डिविजिबल बाई, मल्टीपल, फैक्टर, है ना, लेकिन आपको मतलब बस एक ही चीज़ें फोकस करना है, वो क्या है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जीरो आ गया तो फैक्टर है, मल्टीपल है, डिविजिबल है, ठीक है। तो पी एक्स कितना दिया हुआ है, थ्री एक्स पावर फोर प्लस सेवनटीन एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस टेन, ठीक है। और जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव, तो हमें पहले एक्स निकालने के लिए एक्स प्लस फाइव को जीरो करना होगा, तो एक्स प्लस फाइव जीरो करेंगे तो एक्स कितना का, माइनस फाइव, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी माइनस फाइव, ठीक है। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो पी माइनस फाइव चलिए निकालते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस फाइव। तो इसको देखिए शून सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे अच्छे से हम लोग, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है रिमाइंडर, कितना रहा वैल्यू, जीरो, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है। तो क्या हो गया, हमने ये चेक कर लिया कि पी एक्स जी एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का जो यूज़ है, जो फ़ायदा है, वो यही है ना कि हम लोग डिवाइड ना करना पड़े लॉन्ग डिविजन मेथड से, है ना, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमको अलग से अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज एक्स माइनस फाइव इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बोला है कि एक्स माइनस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि जब x माइनस फाइव इसका फैक्टर, तो रिमाइंडर जीरो के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हम x की वैल्यू निकाल के फाइव इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो के बराबर कर देंगे, है ना, उसके बाद जो अननोन वैल्यू है यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है ना कि x माइनस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग x निकालेंगे, तो जी एक्स को जीरो किए तो x कितना आ गया, फाइव आ गया, है ना, तो रिमाइंडर p5 क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्यों होगा, बिकॉज x माइनस फाइव इसका फैक्टर, इसमें बोला है, इसमें हमें दिखाना नहीं है, इसमें बोल दिया है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब हम जहाँ जहाँ x है पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, फाइव पुट करेंगे, देखिए एक्स क्यूब था, है ना स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब है तो फाइव क्यूब इंटू थ्री इंटू फाइव स्क्वायर इंटू ए इंटू फाइव और माइनस टेन इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखिए यहाँ पे फाइव ए प्लस फोर्टी इक्वल टू जीरो, फाइव ए इक्वल टू माइनस फोर्टी, ए क्या आता है, माइनस फोर्टी पर फाइव माइनस एट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एट,
वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई स्टूडेंट्स, माइनस 8 के बराबर आ गए। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना है। देखिए जब कोई अननोन लो देगी ना तो ये बोल देगा ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जीरो होगा, है ना। तो वहां से इक्वेशन बन जाएगा तो हम लोग अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स माइनस के। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है ना, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, है ना, बिकॉज एक्स माइनस थ्री उसका फैक्टर है। तो पहले हम एक्स निकालेंगे, है ना, तो एक्स माइनस थ्री को जीरो करेंगे तो एक्स आएगा थ्री, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी थ्री, जो कि जीरो के बराबर होगा। क्यों होगा, बिकॉज एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर ये बोल दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है क्या रखना है, थ्री रखना है, तो पी एक्स इतना दिया है तो पी थ्री क्या होगा, जहाँ एक्स है थ्री पुट करेंगे तो रख दिया है, तो ये रिमाइंडर आया है इज इक्वल टू किसके होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट सॉल्व करने पे यहाँ पे आया है 27 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट के कॉमन लेंगे तो 27 के माइनस वन। स्टूडेंट देखिए जब भी स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होगा तब हमेशा दो सॉल्यूशन मिलेंगे हमको, ध्यान रखिएगा, अभी भी आपको बताया जाएगा इसको, है ना, जीरो फाइंड करने के लिए, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। तो जब भी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, दो जीरोस रहेंगे, ध्यान रखिएगा, अभी आपको बहुत बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा के को जीरो करेंगे तो के जीरो आ गया, एक वैल्यू हो गई, और अगर इसको जीरो करेंगे 27 के माइनस वन को तो 27 के वन हो गया और के क्या हो गया, 1/27। तो के की दो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, एक जीरो आएगा और एक 1/27 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक बन जाए, दो पावर हो जाए, इसका मतलब टू जीरोस उसके होंगे, दो वैल्यूज की आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने आज देख लिया फैक्टर थ्योरम के बारे में और उससे भी कुछ सिंपल क्वेश्चन के बारे में देख लिया। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा समझ के, आप लोग कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप लोग जरूर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाँ, इसके बाद हम लोग अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम मिक्स करके पढ़ेंगे, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कुछ पावरफुल क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोग अब रिमाइंडर फैक्टर जान गए हैं, अब कंबाइंड हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का टॉपिक चलेगा फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ अच्छे पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप लोग इसको वीडियो को देखिए, सॉल्व करिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।